है टिपिकल मी। आज है 21 अप्रैल और मैं आ चुकी हूँ अहमदनगर, क्योंकि 3 मई को जो है लवीना की शादी है। लवीना कौन है? मेरी सिस्टर है, जिसका एंगेजमेंट व्लॉग आपने देखा है, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब आज से ही मैंने व्लॉगिंग करना चालू किया है, क्योंकि आई वॉन्ट टू कैप्चर ऑल दीज मोमेंट्स, मतलब जो वेडिंग प्रिपरेशंस होती है, जो संगीत के जो प्रिपरेशंस होते हैं, डांस सेट करना, ये करना, वो करना, और बैचलरेट प्लान कर रहे हैं हम लवीना के लिए। अभी तक उसके लिए सरप्राइज है, उसको कल बताएंगे, परसों है उसका बैचलरेट। तो ये जो सारी प्रिपरेशन वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आई वॉन्टेड टू कैप्चर ऑल दोज मोमेंट्स, इसीलिए आई थॉट वाई नॉट टू व्लॉग ऑल दीज थिंग्स, लिटिल लिटिल मोमेंट्स, क्योंकि यही बातें तो बाद में याद आएंगी। चालू कर। जब देखो आके बटन बंद करके चली जाती है। नो नो नाइशु नो। वेडिंग प्रिपरेशन का वीडियो हो और उसमें शॉपिंग ना हो, कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम आए हैं यहाँ अपने मातोश्री के साथ नगर के मार्केट में शॉपिंग करने। तो आइए नगर के मार्केट की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं आपको। Fashion blogger is here. Where is the bride? This jewelry of Badai Nati. Bride kithe? Perfect bride to be attire. Pajama. Jaldi achna. पैजामा। रणबीर जीजू बोलो 3 2 1 क्या बोलो 3 2 1 बोलो जल्दी 3 2 1 सरप्राइज। देखो टेंशन आ रहा था, तुझे समझ में आता कि नहीं वो लड़की कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत मस्त आ रहा है, वेरी गुड। तो ना गाय में फोन कट कर लेके गड़बड़ में मत बता, अच्छे से दे। नाइस नो, है ना, एकदम लुक ही चेंज हो गया ना उसका। से हाय टू माय ब्लॉग। माय ब्लॉग ask them to subscribe. Okay.
योगा करते हैं। यूजुअली लोगों को रोना आता है ऐसे गाने गाते हुए, भूमि इज हैप्पी दैट हर सिस्टर इज गेटिंग मैरिड गोइंग टू लीव हर सून राइड हरसेल्फ ऑन द ड्यूटी थैंक यू सो मच जिको गिलास चलो चलो चेयर्स करते चलो चीयर्स फोन सा बताने के लिए उठे ना क्या करते फिर तो बेचारा एक तो आधी नींद में से उठा है और तो ऐसे फालतू क्वेश्चंस पूछ रही है लिपस्टिक लगा देंगे लिपस्टिक क्या था लाइनर लाइनर पहले लगा फाउंडेशन थोड़ी नहीं लगाते फिर उसके बाद लाली 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 मॉइस्चराइजर पे डायरेक्ट लाली लगाते उसका मेकअप आप करना मेकअप कॉन्ट्रैक्ट इतना नॉलेज है मेकअप का डिस्टेम्पर फाउंडेशन को डिस्टेम्पर बोलिए आई कैन इमेजिन हम कैसे दिखेंगे आपका कैप्चर कर लिए एंड आई जस्ट रीच्ड होम एट 2:00 और आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने वहाँ पे मैं क्यों गई थी लविना के घर पे वो तो बताया ही नहीं वहाँ पे मुझे बताना था आपको कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ तो एक्चुअली जैसे कि ये व्लॉग इज़ ऑल अबाउट वेडिंग प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग तो हम वही काम करने गए थे वेडिंग प्रिपरेशंस बोला तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन होती है वो होती है संगीत की तैयारी यानी डांस प्रैक्टिस तो उसके लिए ही गए थे आज हम सॉन्ग्स डिसाइड करने गए थे और सोचा था कि डांस चालू करेंगे बट इतनी मस्ती इतना टाइम पास किया हमने कुछ भी काम नहीं किया है सो बेसिकली अभी कल पे सब छोड़ दिया है आज हम आए हैं अपने मातोश्री को हेयर मेकओवर देने के लिए
हेयर मेकओवर के बाद हम फिर से एक बार गए मार्केट में कुछ शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग करते हुए हमें लग गई बहुत ही भारी वाली भूख, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हम बचपन में हमेशा आया करते थे। मुझे याद है जब भी मम्मी और दादी के साथ हम शॉपिंग करने मार्केट में जाते थे तो फिक्स होता था कि इस जगह पे आना है और साउथ इंडियन खाना है। तब डोसा यहाँ पे 10 रुपये का मिलता था। कैन यू गाइज इमेजिन, 10 रुपये का डोसा मिलता था, फिर 15 रुपये का हुआ, और अब आज जब हमने खाया तो इट वॉज समथिंग अराउंड 70 और 75। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई।